हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में जानेंगे। पहले ईडब्ल्यूएस के सभी अभ्यर्थी ध्यान से सुने। आप किसी भी भर्ती से हैं, आपका ईडब्ल्यूएस है, तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा। अब आयोग ईडब्ल्यूएस को लेकर सख्त हो गया है। डीबी के समय ही आयोग तहसील से जाँच कराएगा, जिससे जो अभ्यर्थी सही हैं, वैलिड हैं, उन्हें कोई नुकसान ना हो, और जो गलत तरीके से या इनवैलिड ईडब्ल्यूएस बनवाए हैं उन्हें उसी समय जांच करके बाहर किया जाएगा और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और आयोग चाहे तो उसे यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों से वंचित कर सकता है, क्योंकि शासन की तरफ से ईडब्ल्यूएस मैटर को लेकर कड़ा निर्देश दिया गया है। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की गलती ना करे। एएसओ का रिजल्ट नवंबर के महीने में जारी होना है और दिसंबर के महीने में डीबी हो सकती है। लेखपाल भर्ती का रिजल्ट लास्ट नवंबर या थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि लास्ट नवंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मंडी परिषद को लेकर अपडेट है कि इसका रिवर्स रिजल्ट जारी होना है और दिसंबर तक डीबी हो सकती है। बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट दिसंबर या जनवरी के महीने में जारी हो सकता है। इसी के आसपास फॉरेस्ट गार्ड का भी रिजल्ट जारी होना है। एनएम भर्ती को लेकर कई केस किए गए हैं, इसलिए इस भर्ती में देरी हो रही है। कोर्ट केस होने की वजह से इसका काम रोक दिया गया। अक्टूबर के महीने में कई छुट्टियां हैं, इसलिए आयोग का काम और डिले हो सकता है। और अक्टूबर के महीने में पीटी की परीक्षा होनी है, इसलिए अक्टूबर के महीने में आयोग बहुत बिजी है, इसलिए कुछ भर्तियाँ डिले भी हो सकती हैं। और भी कोई अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसको देख लेते हैं। फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग, तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।